जय श्री कृष्णा, जय माता जी की। मित्रों, आज हमारी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं, एकदम चटपटा बनाने वाले हैं हम। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का सैंडविच। तो अभी पे बनेगी ये पनीर टिक्का बनाएंगे। पहले सबसे पहले हमने प्याज लिया है, तो थोड़ा प्याज डालेंगे, और टमाटर, पनीर, अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर केचप, सिजवन सॉस, ओरिगानो। आगे जो मसाला करेंगे वो आपको दिखाएंगे। मित्रों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करना। आपके बच्चों के लिए ज़रूर से बनाना, चौमासे के मौसम में सेहत के लिए घर का खाना अच्छा रहता है। गैस पे एक कढ़ाई रखा है, तेल डालेंगे 2 चम्मच। सबसे पहले पनीर टिक्का हमें तैयार करना है। एक चुटकी डाल रही हूँ ज़ीरा, और थोड़ी सी डालूँगी हींग। हींग डालने से पेट के बच्चों के लिए अच्छा होता है। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कट किया हुआ टमाटर। प्याज और टमाटर हम पका रहे हैं, ज़्यादा नहीं पकाने हैं, इसे थोड़ी धीरे रखेंगे। टमाटर प्याज थोड़े से पका लिए, इसके बाद डालना है हमें पनीर। पनीर डालने के बाद तुरंत डालना है हमें स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, एक चुटकी डालना, ज़्यादा नहीं डालना है, आधी चम्मच। धनिया जीरा 1 चुटकी, ओरिगानो गैस को आँच कम कर देना है, अच्छे से मिला देना है। हम डालेंगे सेजवन चटनी 1 चम्मच इतनी डालनी है हमें, थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा अच्छे से मिला देंगे। तो अच्छे से मिला देंगे, आप ये सब जो रोटी के साथ खाओगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगी आपको, रोटी भाकरी के साथ भी बहुत सुपर लगती है। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, अच्छे से मिला दिया है, गैस को बंद कर देंगे। ये बट्टी निकाली हुई सैंडविच है, हमें ब्रेड का ऐसे टुकड़ा करना है। मैंने ये कट करके रेडी कर दिया है, तो अब लगाएंगे हम पनीर टिक्का। मेरी फ्रेंड आने वाली है बॉम्बे से है, और खाने की बहुत शौकीन है। बॉम्बे में अन्नवीन वैरायटी बहुत बनती है। देखिए, आज हमने बॉम्बे स्टाइल में घर पे पनीर टिक्का सैंडविच बना दिया है। तो देखिए, सारी हम ऐसे कर लेंगे, सारी भर के मैंने रेडी कर ली है, अच्छे से सेकेंगे। एक तवा लेना है हमें, चालू कर देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच इतना। आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने तेल लिया है। दोनों तरफ से हमने सैंडविच को सेकना है। हमने एक सैंडविच का 4 टुकड़ा करके बनाया है। ये बारीक वाली बहुत ही बढ़िया लगती खाने में, एकदम आसानी से खा सकते हो आप।
देखिए हमारी सैंडविच तो बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो चुकी है। प्लेट के अंदर ले लेंगे। चलिए सर्व करते हैं। मैंने एक प्लेट लिया है, प्लेट के अंदर हमारी सैंडविच रख देंगे हम। रेडी, थोड़ा डालेंगे टमाटो केचप। थोड़ी के रहेंगे बारीक वाली सेव, ये थोड़ी तीखी वाली सेव है। थोड़ी सी डालेंगे प्याज। थोड़े से टमाटर, हमें दिखने में भी एकदम अच्छा दे और खाने में भी बहुत बढ़िया मज़ा आए, ऐसी हमें चीज़ें चाहिए। नहीं नहीं एकदम बढ़िया और सुपर डिश बन के रेडी हो चुकी। मित्रों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, आपके लिए ज़रूर से बनाना, बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। दूसरे वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक ओके बाय बाय।